गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग पढ़ाई में लगे हुए हो? हैं, पढ़ाई में लगे हुए हो तो आपको ये भी मालूम है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई में लगे हुए नहीं हो तो आपको मालूम नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना? पांचवा पाठ पढ़ रहे हैं हम, उस पांचवा पाठ का तीसरा पोर्शन मिक्स्ड टाइप ऑफ क्रॉपिंग, इसको हम देख रहे हैं, मिश्रित खेती। किसान यहां मुख्य रूप से जो खेती करता है उसका एक ही फसल पर ध्यान केंद्रित होता है, और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर आपको ये सोचना चाहिए कि यदि एक ही प्रकार की खेती, एक ही प्रकार की फसल हम खेती में काम में लेते हैं और वो फसल किसी प्रकार से बिगड़ जाती है, बाढ़ है, भूकंप है, या कुछ वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों से यदि वो फसल चौपट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो किसान को बहुत भारी लॉस होता है, क्षति होती है। इसलिए इन सब संभावनाओं से अपने आप को बचाने के लिए किसान को चाहिए कि एक मौसम में एक से अधिक प्रकार की फसलों को एक साथ ले, जिससे उसकी ये आशंका कि कोई फसल खराब हो गई, किसी भी प्रकार से फसल खराब हो सकती है, कोई भी परिस्थितियों में फसल खराब होती है, तो उस आशंका से बचने के लिए हम एक ही मौसम में एक ही वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाना व प्राप्त करना, ये कहलाता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये कहलाता है आपका मिश्रण खेती, जिसको मिश्रित खेती बोलते हैं। मिश्रित खेती के दो प्रकार हैं, एक है मिश्रण खेती और दूसरा है अंतरासस्यन कृषि। ये इसके टाइप्स हैं, मिश्रित खेती के टाइप्स हैं। मिश्रित खेती आपके क्लियर हो गई, एक ही मौसम में, एक ही वर्ष में, एक ही सीजन में जब एक से अधिक प्रकार के फसलों को हम उगाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो मैंने बताया कि प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई और प्रतिकूल परिस्थितियों ने किसी फसल को चौपट कर दिया, तो उसकी भरपाई दूसरी फसल से हो जाती है, नंबर एक। यदि प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती है, नंबर दो, यदि प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आती है तो एक से अधिक कृषि लेने से किसान को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए मिश्रित खेती को अपनाना वक्त की अनिवार्यता है, और ये दो प्रकार से होती है, एक होती है मिश्रण खेती और एक होती है अंतरासस्यन खेती। मिश्रण खेती में क्या करते हैं हम, मिश्रण खेती में एक से अधिक प्रकार की फसलों के बीजों को मिला देते हैं, फसलों के बीजों को मिला देते हैं, और मिलाने के बाद में उन्हें पंक्तियों में या एक साथ उछाल के, आप बोल उछाल के बीज को फेंक करके, उछाल कर बीज को बो देते हैं, या फिर पंक्तियों में बीजों को बोते हैं, ये कहलाती है मिश्रण खेती। और अंतरासस्यन खेती क्या है, अंतरासस्यन खेती का मतलब एक कतार दूसरी कतार के बीच में जो जमीन रही है, या एक पौधा और दूसरे पौधे के बीच में जो पड़त जमीन है, उसमें हम किसी प्रकार की कोई फसल को उगाएं,
अन्य प्रकार की कोई फसल को उगाए, सब्जियों वाली फसल है या कोई घास फूस है, बरसीम वगैरह है, इस प्रकार की कोई फसल उगाएं, तो पड़त जमीन का भी, पड़त जमीन का उपयोग हो जाता है एक तो, और सेकंड बात हमारे को आर्थिक लाभ भी होता है। यह हो गया मिश्रण खेती और अंतरासंशन खेती, दोनों में अंतर, और ये दोनों ही एक प्रकार से मिश्रित खेती का भाग है। मिश्रण खेती और अंतरासंशन खेती, वैसे तो आपको दिखाई एक जैसी दे रही है, लेकिन इसमें अंतरासंशन खेती का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो पड़त जमीन है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है उसका हम उपयोग कर लेते हैं छोटी मोटी अन्य प्रकार की फसलें उगा करके, अंतरासंशन खेती का ही उपयोग है। अब मिश्रित खेती और अंतरासंशन खेती में क्या अंतर है? अंतर मिश्रण खेती और ये डिफरेंस देख लेते हैं। अंतरासंशन खेती, यदि आपने इसको ढंग से सुना है तो आपको अंतर भी आ रहे हैं, है ना? मिश्रण खेती का उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों में फसल को हो रही क्षति से बचाना है, इसका प्रमुख उद्देश्य तो यही है। और अंतरासंशन खेती का उद्देश्य है पड़त जमीन का उपयोग करना। मिश्रण खेती, अंतरासंशन, अंतरा का मतलब है बीच बीच वाली जमीन, बीच वाली जमीन का उपयोग करना। अंतरासंशन खेती में आपने क्या किया? पड़त जमीन का उपयोग किया है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में फसल को हो रही हानि से यदि बचाना है तो आपको मिश्रण खेती काम में लेनी है। और ये जो मिश्रण खेती है इसमें आपने एक साथ कई फसलों के बीजों को मिलाकर के उगाया है तो प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, प्रतिस्पर्धा फसलों के मध्य रहती है, और यहां पे प्रतिस्पर्धा बहुत कम होती है या नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है। प्रतिस्पर्धा किसके लिए? प्रतिस्पर्धा पानी के लिए, प्रतिस्पर्धा जल, जल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, स्थान के लिए, ये सब प्रतिस्पर्धा है। और मिश्रण खेती में जो आपने फसलें काम में ली है इसमें पकने की अवधि लगभग बराबर होती है, और अंतरासंशन खेती में पकने की अवधि भिन्न भिन्न होती है, तो ये फायदा भी है। ये यदि पहले पक गई या मुख्य फसल से बाद में पकी, सामान्यतः पहले ही पकती है तो हम उसको आसानी से ले लेते हैं, और इसमें पकने की अवधि एक साथ होती है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जरूर है, लेकिन दिक्कत है तो भी इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, चौथी बात और अंतिम बात, मिश्रण खेती में सारी फसलों के बीजों को मिलाकर पंक्तियों या कतारों में बोया जाता है। और इसमें क्योंकि बीच बीच में जो है कतार से कतार और पौधे से पौधे के बीच की दूरी को का उपयोग करके हम इसको बोते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिश्रित खेती में मैंने दो तीन चीजें बताई। एक चीज मैंने बताई कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं, मिश्रित खेती क्या है। दूसरा मैंने बताया मिश्रित खेती करना क्यों अनिवार्य है, इसकी आवश्यकता क्यों है।
और फिर मैंने बताया मिश्रित खेती के प्रकार, मिश्रण खेती और अंतरासस्यन खेती। और फिर मैंने आपको बताया अंतरासस्यन खेती और मिश्रण खेती में अंतर क्या है। और अब मैं आपको बताऊंगा मुख्य रूप से अंतरासस्यन खेती के प्रकार। कभी कभी एक सवाल बन जाता है इसके ऊपर, अंतरासस्यन खेती के प्रकार। अंतरासस्यन खेती यानी कि वह जमीन जो पौधों के बीच के जैसे बड़े पौधे लिए हमने, फल पौधे लिए हैं, तो पौधों के बीच में, या फिर आपने कतारों में कोई पौधे के बोए हैं तो कतारों के बीच के अंदर पड़ी जो जमीन है उसके बीच में उसका उपयोग करने के लिए हम वहाँ पर अन्य प्रकार की फसल को जो उगाते हैं यह कहलाती है अंतरासस्यन खेती। अंतरासस्यन खेती में पहली जो खेती है वो है समानांतर सहकृषि। पैरेलल मिक्स्ड क्रॉपिंग, पैरेलल मिक्स्ड क्रॉपिंग, इनमें हम दो फसलों को इस प्रकार से उगाते हैं कि इनका एक दूसरे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो गई आपकी समानांतर सहकृषि। मैंने आपको कई बार कहा है कि किसान को फसल का चयन करने के लिए बहुत जागरूक रहना चाहिए। जैसे आप मिश्रण खेती कर रहे हैं, मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो उस मिश्रित खेती में भी आपको फसल का चयन ये मुख्य होता है, कौन सी फसल ज़्यादा लाभदायक है आपके लिए। अब जैसे आपने ये समानांतर सहकृषि काम में ली है तो आप ऐसी फसल को लें दो को जिसका एक दूसरे पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगी। जैसे कपास, उड़द, ये दो फसल ली आपने, तो इसमें एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली फसल नहीं है। दूसरी है सहचर फसलें। सहचर फसलें, इसमें आपको ऐसी फसल का चयन करना है जो, जैसे मक्का आपने लिया है तो ऐसी फसल का आपने चयन किया, कैसे इसका किया, मक्का का किया। अब मक्का की फसल जो कतार में बोई गई थी, उन दोनों कतारों के बीच में आपको अन्य प्रकार की कौन सी फसल लेनी है वो फसल कहलाएगी सहचर फसल। ठीक है, मक्का के साथ उड़द को लिया जा सकता है। तीसरा, थर्ड है आपकी रक्षक फसल। ये भी क्या है, अंतरासस्यन खेती है। इस अंतरासस्यन खेती में सहचर फसल का मतलब यह होता है कि वह फसल हम जो ले रहे हैं मुख्य फसल, इस मुख्य फसलों के चारों ओर जो फसलें कीटों के बचाव के लिए या किसी प्रकार की जो वायु के वेग को कम करने वाली, इस प्रकार की कोई रक्षात्मक फसल इसके चारों ओर बोते हैं मुख्य फसल के, तो मुख्य फसल का बचाव भी हो जाता है और साथ साथ ये जो फसल हमने उगानी चाहिए इससे भी हमारे को कुछ न कुछ आय हो जाती है। जैसे सनाई है, सनाय है, इसको हमने मक्का के चारों ओर बो दिया तो उसका बचाव भी हो गया और सनय और सनाय से हमारे को फायदा भी हो गया। चौथा, सहायक वृद्धि कारक फसलें। इसका
अभिप्राय ऐसी फसलों से है जिसको उगाने से मेन फसल ज्यादा फलीभूत होती है, ये एक प्रकार का दूसरी वाली फसल को प्रमोट करती है, मेन फसल को प्रमोट करने वाली फसल है, इसको हम वृद्धिकारक फसल भी बोलते हैं, है ना। वृद्धिकारक फसल कैसे हुई, ये मेन फसल मुख्य फसल है उस फसल को ये प्रमोट करती है, तो ये हो जाएगी आपकी। और इस फसल में हम ए और बी दो भाग करते हैं, धनात्मक और प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापनात्मक, धनात्मक में जैसा मैंने बताया आपको कि यह जो है मेन फसल को, मेन क्रॉप को एनहेंस करेगी, उसकी वृद्धि को बढ़ाएगी, और प्रतिस्थापन उसका स्थान लेगी, स्थापन फसल। ये हो गया आपका सहायक या वृद्धिकारक फसल। पांचवी फसल पट्टीदार अंतःसस्यन फसल, इसको हम कुछ कंटूर में या कुछ रेखाओं के आधार पर इसको बोते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पट्टीदार अंतःसस्यन, एक खंड में, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में। मान लो मेन फसल है, ये मेन फसल का है, इसमें फिर हमने ये कुछ खंड बना करके इस खंड में एक प्रकार की फसल बोई, इस खंड में दूसरे प्रकार की, इस खंड में तीसरे प्रकार की, ये हो गया पट्टीदार अंतःसस्यन फसल। अविराम अंतःसस्यन, अविराम अंतःसस्यन, इसमें एक साथ कम से कम तीन चार फसलें ली जाती है। एक साथ तीन चार फसलें उगाई जाती है। और बहुस्तरीय, लास्ट है ये अंतःसस्यन, इस प्रकार की खेती में हम अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार की फसलों को लेते हैं। जैसे नारियल के साथ में हम कहवा, काली मिर्च, इसकी फसल लौंग है, सुपारी है, इसकी फसल लेते हैं, ये कहलाएगी बहुस्तरीय अंतःसस्यन। तो अंतःसस्यन खेती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिश्रण खेती और अंतःसस्यन खेती जो है उसको आपने, ये ऐसी दो फसल लेनी है जिसमें एक दूसरे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो। सहचर फसल में इसकी सहयोगी फसल को लेना है, रक्षक फसल में आपको इसको जो प्रोटेक्ट करने वाली फसल है वो लेना है, और सहायक फसल में ऐसी फसल लेनी है जो मेन फसल को प्रमोट करती हो या उसको प्रतिस्थापित करके, यदि आप चाहते हो कि उसको हम प्रतिस्थापित करें तो भी आप ले सकते हैं। और पट्टीदार अंतःसस्यन फसल के अंदर आप अलग अलग खंडों में अलग अलग प्रकार की फसलें लेते हैं, अविराम अंतःसस्यन में आप तीन चार फसलें एक साथ उगाते हैं, और बहुस्तरीय अंतःसस्यन में अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रकार की फसलें काम में ली जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि इस अंतःसस्यन के या मिश्रित खेती के क्या सिद्धांत है। देखिए, आपको
हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं कहीं पे भी, नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर बट एवरीवेयर इन योर लाइफ ऑल्सो, वहाँ कुछ न कुछ तथ्य ध्यान में रखे जाते हैं। उन तथ्यों को ध्यान में रख करके हम प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या हो सकते हैं सिद्धांत? आपने शुष्क खेती के सिद्धांत भी देखे थे, आपने सस्यावर्तन के सिद्धांत भी देखे थे, और अब यहां आप देख रहे हो मिश्रित खेती के सिद्धांत। सबको एक साथ मत कर देना, कुछ चीज हो सकता है कॉमन हो, लेकिन फिर भी आपको जब इसका जवाब देना है कि मिश्रित खेती के सिद्धांत क्या हैं, तो उसमें आप पर्टिकुलर रहना कि क्या सिद्धांत हो सकते हैं। जैसे ये सिद्धांत पहले भी आया है, दलहनी फसल के साथ अदलहनी फसलें उगाना, ये सस्यावर्तन वाले सिद्धांत जो है उसमें भी आया है और यहां भी आया है, और लगभग इसका उद्देश्य एक ही है। इसका उद्देश्य क्या है कि दलहनी फसल आप उगाएंगे तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण अधिक होगा, और उसके साथ अदलहनी फसल भी पनप जाती है। इसलिए दलहनी फसल के साथ अदलहनी फसल उगाना किसान के लिए श्रेयकर है। सीधी बढ़ने वाली फसल के साथ, सीधी बढ़ने वाली फसल के साथ फैलने वाली फसल उगाना, देखिए सीधी बढ़ने वाली फसल के साथ फैलने वाली फसल है तो उसको सहारा लेकर के उसका भी काम हो जाएगा। आप इस चीज का ध्यान रखें कि हम फसल का चयन किस प्रकार से करते हैं। मैंने पहली फसल बोली कि आपने दलहनी फसल का चयन किया है तो उसके साथ में अदलहनी फसल आसानी से चल सकती है। सीधी बढ़ने वाली फसल का चयन किया है तो उसके साथ फैलने वाली फसल जो है आरोही फसल है वो भी चल सकती है। कीटों को आश्रय देने वाली फसलें उगाना, मैंने बताया आपको कि मुख्य फसल से कीटों को बचाने के लिए इसके चारों ओर आप इस प्रकार की फसल उगाएं कि सारे कीट वहां तक आ जाएं, आगे पहुंचे ही नहीं, मेन फसल में नहीं पहुंचे, तो मुख्य फसल का बचाव हो जाता है। और ये जो आपने कीटों को आश्रय देने वाली फसल उगाई है इससे भी आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। गहरी जड़ों वाली फसलों के साथ उथली जड़ों वाली फसलें उगाना, ये सस्यावर्तन में आया था, यहां भी इसका यही उद्देश्य है कि गहरी जड़ों वाली फसलें यदि आप उगाते हैं तो वो अवभूमि के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उसको लेती है, ऊपरी भूमि पर पाए जाने वाले पोषक तत्वों का वो उपयोग नहीं करती है। और ऊपरी भूमि पर पाए जाने वाले पोषक तत्वों का उपयोग कौन करेगी? उथली जड़ वाली, और ये करेगी अवभूमि का। दोनों ही काम हो गए। आपने फसल का चयन इस प्रकार से करना है कि दोनों ही काम आपके हो जाए, है ना?
मिश्रित खेती के लिए आपको ऐसी फसल का चयन करना है जो प्रकाश, ताप, ऑक्सीजन, जल, जो कि नमी कहते हैं हम, स्थान, इसके लिए कम से कम प्रतिस्पर्धा रखे। कम प्रतिस्पर्धा, तो कम प्रतिस्पर्धा रखेगी तो सारी फसलें जो है आसानी से पनप जाएगी। अब हल्की मृदा तथा भारी मृदा, दो प्रकार की मृदा हैं। यदि तो हल्की मृदा में आप उगाइए दलहनी फसलें, चयन कीजिए आप, और भारी फसलों में उगाइए, भारी मृदा में उगाइए अदलहनी फसलें। तो आपका ये युग्म है। अब आपको मैं युग्म के बारे में बताऊंगा कौन सी फसल के साथ कौन सी फसल दी जानी चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके हम मिश्रित खेती के लिए क्रॉप का चयन करते हैं। अब मिश्रित खेती हेतु फसल चयन, कौन कौन सी फसलों का आपको चयन करना है, है ना? आपको मैं बताऊं, एक वर्षीय है, एक वर्षीय फसलों के लिए आपको जोड़ा लेना है बाजरा के साथ सरसों का। बाजरा उगाइए और उसके साथ साथ सरसों भी उगा सकते हैं आप। ये फसल चक्र युग में आपने बताया था, लेकिन अब ये है कि बाजरा और सरसों का मौसम एक नहीं है, इसलिए बाजरा के साथ गवार, ये हो गया दलहनी, ये हो गया दलहनी, ठीक है ना? जैसे आपने गेहूं को उगाया है, गेहूं के साथ उड़द ले लीजिए, है ना? और आपने यहाँ बाजरा लिया है, बाजरा के साथ मूंग भी ले सकते हैं, बाजरा लिया है तो यहाँ मोठ भी ले सकते हैं। ये हमारा एक वर्षीय फसलों का युग्म है। इस तरह से द्विवर्षीय फसलें में भी आप काम में ले सकते हैं। तो मिश्रित खेती हेतु फसल का चयन करने के लिए हमारे को फसल युग्म को ध्यान में रखना है। और दूसरा, जैसे आपने मक्का लिया है मान लो, तो मक्का के पौधे से पौधे के बीच की दूरी तथा कतार से कतार के बीच की दूरी के अंदर यहां पे आप सब्जियां उगा सकते हैं, तो आपका ये काम सफल हो जाएगा, ठीक है? अब है मिश्रित खेती का क्या महत्व है। हाँ बेटा, अंतरासन के सिद्धांत, आपने देख लिया मिश्रित खेती का क्या महत्व हो सकता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लें। मिश्रित खेती क्यों जरूरी है, चलिए इसको देखिए। पहली बात तो ये देखनी थी आपको कि मिश्रित खेती क्या है, फिर था मिश्रित खेती के प्रकार, फिर मिश्रण खेती तथा अंतरासस्यन में अंतर, ये बातें करें हम कर चुके, फिर अंतरा
सस्यन कृषि के प्रकार, ये सात बताए मैंने आपको। उसके बाद में मिश्रित खेती के सिद्धांत, और इसमें मैंने दो चार सिद्धांत बताए आपको। फिर मिश्रित खेती हेतु फसल चयन, और अब है मिश्रित खेती का महत्व। मिश्रित खेती का क्या महत्व है, क्यों की जाए मिश्रित खेती? पहला महत्व आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने परिभाषा में बोला था कि यदि किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए और इस प्रतिकूल परिस्थितियों से कोई फसल खराब हो जाए, तो यदि हमने मिश्रित खेती की पद्धति को अपनाया है, हमने एक साथ एक से अधिक फसलें बोई है, तो सारी फसलें उस प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार नहीं होगी, उसमें जो भी फसल बचेगी उससे किसान को क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो पहला ये था। अब दूसरा, आपने क्षतिपूर्ति के पर्पज से एक से अधिक फसलें बोई है और किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई, तो आपको उत्पादन अधिक मिलेगा। हमारा उद्देश्य तो ये था कि हम इस भरोसे में, आशंका से बचने के लिए कि कोई फसल हमारी खराब ना हो या एकाधिक कोई फसल बिगड़ जाए तो उसकी भरपाई हम दूसरी फसल से ले लें, तो हमने तो उगाया था, ये पद्धति काम में ली थी क्षतिपूर्ति के लिए। लेकिन हमारे कोई भी फसल खराब नहीं हुई, तो नहीं हुई तो हमारे को फायदा ये हुआ कि हमारा आय अधिक हो गई, उत्पादन अधिक हो गया, तो इसका ये फायदा है। ठीक है। तीसरा, मृदा अपरदन को रोकना। यदि आप कोई भी पड़त जमीन रखेंगे नहीं, उस पर कोई ना कोई फसल उगा लेंगे, सब्जी उगा लेंगे, घास उगा लेंगे, बरसीम वगैरह जो भी मैंने बताया था आपको, तो मृदा का अपरदन कम होगा जल के द्वारा और वायु के द्वारा। मृदा जल के द्वारा बहके नहीं जाएगी क्योंकि उसके ऊपर कवरेज होगा, है ना, मृदा आवरण होगा। मृदा आवरण होगा तो मृदा वायु के द्वारा भी अपरदित नहीं होगी। खरपतवार का नियंत्रण भी हो जाएगा इसके द्वारा। आपने यदि मृदा खाली छोड़ी है तो कोई ना कोई खरपतवार उगेगी। अब यदि आपने मृदा खाली छोड़ी ही नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई फसल उगाई है, तो खरपतवार ऑटोमेटिकली आपने उसको रिमूव कर दिया, वहां से हट गई। रोग नियंत्रण, जैसा कि मैंने बताया कि कीटों को आश्रय देने वाली फसल आपने चारों ओर उगा ली है, मेन फसल के चारों ओर, तो बहुत कुछ आपने रोगों पर नियंत्रण पा लिया। और थोड़ा बहुत रोग नियंत्रण यदि उस दूसरी वाली फसल की वजह से नहीं हो रहा है, तो वो फसल इतनी हमारे लिए लाभदायक भी नहीं है। मेन फसल को आपने कवर कर लिया, मेन फसल पर कोई रोग होने नहीं दिया, और सहायक फसल है उसके ऊपर बाई दी हुए कोई रोग हो गया और वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रोग नियंत्रण भी इसमें हो जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। रोग नियंत्रण के बाद में सौर ऊर्जा का प्रभावी उपयोग। कैसे? जितने भी पौधे हैं वो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब जितनी फसलें ज़्यादा होगी तो सौर ऊर्जा अधिक से अधिक यूटिलाइज होगी, और जब सौर ऊर्जा अधिक से अधिक यूटिलाइज होगी तो रासायनिक ऊर्जा ज़्यादा बनेगी, यानी कि उत्पादन अधिक होगा, सकल उत्पादन अधिक होगा, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ेगी।
भूमि का समुचित उपयोग, ये और आपको दिख रहा है आपने कोई जमीन छोड़ी ही नहीं है, सभी प्रकार की जमीन है उसको आपने कवर कर लिया, कोई भी प्रकार की खाली आपने जमीन रखी नहीं है, पड़त जमीन रखी नहीं है, उत्पादन अधिक होगा, पूरी भूमि का उपयोग हो जाएगा। आपने किसी भूमि में कैसी फसल बोई है, किस भूमि में कैसी फसल बोई है, सभी प्रकार की फसलें आपने ली है तो सभी प्रकार से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और कृषक की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रख करके यदि फसलें बोई है तो किसान की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति भी हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये धान्य फसलें, सब्जियां, फल, कपड़े के लिए रेशे वाली फसलें और इसके लिए काष्ठ प्रदान करने वाली फसलें, ये सब आपने किसान की आवश्यकता की पूर्ति के हिसाब से काम में लिया है, युग्म मिश्रण खेती का काम में लिया है तो ठीक है। और आसपास किस प्रकार का वातावरण है वहां पे, है ना, ये उसको ध्यान में रख करके भी आप मिश्रित खेती का प्रयोग करें। कैसे कि आपके पास में जहां आपका खेत है या कुछ ही दूरी पर किसी प्रकार का कोई संयंत्र है, जैसे कपड़ा उद्योग संयंत्र है, जैसे फल का कोई संयंत्र है, तो आप उस प्रकार की फसल का मुख्य फसल के साथ में चयन करें। निकटवर्ती क्षेत्र में लगे संयंत्रों के आधार पर फसलों का चयन के चयन से आर्थिक लाभ, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा चारे की प्राप्ति का भी आपके लिए मिश्रित खेती एक रिसोर्स है, क्योंकि आपने बरसीम वगैरह उगाई है, ज्वार उगाई है मिश्रित खेती में, तो चारे की प्राप्ति भी हो सकती है। अब सब कुछ करने के बाद में हमने सब कुछ करने के बाद में कि मिश्रित खेती इंपॉर्टेंट है, मिश्रित खेती इंपॉर्टेंट है, आप काम में लीजिए, लेकिन मिश्रित खेती के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इससे कुछ हानियां भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रकार से मिश्रित खेती के अंदर फसलों का चयन करें कि फसल युग्म हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक बने। देखिए, एक तो मैंने बताया था कि पकने का समय अलग अलग होने से किसान को दोहरी मार पड़ती है, एक फसल को काटे और काट किसी प्रकार से कट समय पर नहीं जाए और दूसरी फसल कटने के लिए तैयार हो तो ये उसके लिए नुकसान है। और एक साथ फसलें उगाई है तो कीटनाशी या रसायननाशी सभी फसलों के अलग अलग होते हैं तो ये भी इसके लिए समस्या है, एक कीटनाशी एक फसल के लिए काम आएगा, दूसरा कीटनाशी उसके लिए काम नहीं आएगा, तो ये भी। और फिर मिश्रित खेती आप काम में ले रहे हैं उसके लिए बीजों का चयन भी काफ़ी मुश्किल है, शुद्ध बीजों का चयन मैं लिखूं तो ज़्यादा, मिश्रित खेती के लिए शुद्ध बीजों का चयन ये भी कठिन मामला है, हालांकि है इसके समाधान है हमारे पास, लेकिन ये प्रॉब्लम तो है ही है। और फिर क्या होगा, यदि शुद्ध बीजों का आपने चयन कठिन है तो गुणवत्ता वाला भी उत्पादन नहीं आएगा,
तो ये दो चीजें थोड़ी और प्रॉब्लम पैदा कर रही है। और तीसरी ये बात है कि प्रतिस्पर्धा भी रहेगी भाई, आप कितना भी करो प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तो मिश्रित खेती जिसके हम इतने देर से बखान कर रहे थे, हमने मिश्रित खेती क्या है, मिश्रित खेती के प्रकार, मिश्रित खेती और मिश्रण खेती, अंतरासन खेती, फिर उसके सारे प्रकार देख लिए, फिर उसके सिद्धांत देख लिए, फिर फसल चयन जो है उसका भी हमने उपयोग कर लिया और इतनी सारी बातें करी कि इसका इतना फायदा है, इसमें इतना फायदा है, लेकिन ये चार पांच इसके नुकसान भी हैं। इन चार पांच नुकसानों को ध्यान में रखकर और इसके ऊपर हम कोई नीति निर्धारण करके यदि चलेंगे तो मिश्रित खेती हमारे लिए बेनिफिशियल है या फायदेमंद होगी। क्योंकि इसमें एक जो नुकसान है वो ये है कि इनके पकने का समय अलग अलग है, और पकने का समय अलग अलग है तो किसान के लिए एक समस्या है, और दूसरा अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उसके लिए अलग अलग प्रकार जिस कीट हैं तो उसके लिए कीट भी अलग हैं, तो कीटनाशी अलग है, रसायनाशी भी अलग है। और फिर जब हम उनके बीजों का चयन करते हैं तो प्रॉब्लम शुद्ध बीजों की रहती है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। तो जब ये प्रॉब्लम है तो गुणवत्ता भी प्रभावित होगी, और फिर जब एक साथ आप फसलें उगाओगे तो पानी के लिए, नमी के लिए, स्थान के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सभी के लिए प्रतिस्पर्धा तो रहेगी ही रहेगी। तो जितना हमारे को आना चाहिए उतना नहीं आएगा, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि कोई फसल यदि किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होती है तो उसकी भरपाई हम इस मिश्रित खेती से कर लेते हैं, ये हमारा उद्देश्य है।